गाड़ी एक्सलेट नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आदित्य का ऑक्सीजन काफी कम हो गया। We are now higher than Everest base camp. दिख रहा? कल हंडे कैसा छोड़ के गए थे एंड अभी शाम को कैसा हो गया है? मॉर्निंग गाइस, वी आर एट हार्ले एंड हमने रात भर कैंप किया खुद से। मस्त ठंड थी बट नींद आ गई अच्छे से। दिस इज आवर कैंपिंग सेटअप। गाड़ियाँ लगाई थी ऐसे, बहुत ज़्यादा हवा थी, ठंडी होगी। अभी भी हवा तो चल रही है बट रात में कुछ ज़्यादा ही थी। नंगूर अंदर सो रहा है। ये है हार्ले ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे ऊपर जो ये दिख रहा है हानले मोनेस्ट्री। अभी उठते हैं और पैकअप करते हैं। सो गाइस, वी हैव ऑलमोस्ट पैक्ड अप, सिर्फ सामान गाड़ी पर डाल रहे हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। सोच रहे हैं होम स्टे पे किसी बात कर लेते हैं। आज रात में तो होम स्टे पे ही रुकना, हम निकला के बाद में वहीं पे अभी सामान छोड़ के चले जाएंगे। फालतू में क्यों सामान कैरी करना जब रात में किसी होम स्टे पे रुकना है, बुकिंग पूरे दिन की करनी है। मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है यार, लाइक रात में बिल्कुल मिल्की वे नहीं दिखी, क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे, किस्मत खराब थी। शाम को आसमान खुल रहा था बट रात में नहीं मिला कुछ भी। सामान पैकअप चल रहा है, फिर होम स्टे पर छोड़ के आएंगे किसी खाना वाना खा के। एंड उस तरफ कहीं उमरिंगला का एरिया है एंड वहाँ पे मौसम बहुत ही खराब लग रहा है भाई फिलहाल तो। और यहाँ माइक पूरी तरह से धोखा दे दिया तो मैं वॉइस ओवर ले दे रहा हूँ। ये जो आपको खराब वेदर वाला एरिया दिख रहा है, ये है पोटिला पास वाला रेंज। इसके पीछे क्रॉस करके जाते हैं तब जाके उमरिंगला आता है। राइट साइड में जो जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे नूरपुला टॉप है, हम लोग वहीं पे चढ़ के ऊपर जाने वाले हैं। वहाँ से फिर लेफ्ट साइड में आगे आएंगे एंड रेंज क्रॉस करके वापस से फिर आएगा उमरिंगला। स्टिकर पूरी ट्रिप पे चिपकाना भूल गए थे तो अब यहाँ पे एंड में चिपका रहा हूँ। अब पता चल रहा है फाइनली आने का क्या मजाक चल रहा है। तो गाइस, ये एक बीच का पॉइंट आता है जहाँ से रास्ता दो जगह सेपरेट होता है। अभी आप आगे देखोगे तो लेफ्ट साइड में नूरपुला टॉप पे जा रहा है जहाँ हम जाना चाहते हैं, और राइट साइड में भी एक ट्रेल गया है राइट साइड वाले पहाड़ की तरफ, वो उरुमले करके जो गांव है वो वहाँ पे जाता है। तो हमें शॉर्टकट लेना है, इस वजह से हम लोग नूरपुला टॉप पे जाएंगे एंड नूरपुला टॉप से लेफ्ट लेंगे। आप राइट साइड जाओगे तो उरुमले जा करके वहाँ से भी ले सकते हो नूरपुला टॉप स्किप करके, बट वो लंबा रास्ता ज़्यादा है एंड इट मेक्स नो सेंस टू टेक दैट बिकॉज नूरपुला टॉप आपको वहाँ से भी चढ़ना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग कच्चे में चढ़ते हैं नूरपुला टॉप
बट वहाँ से आपको कॉन्क्रीट रोड मिल जाएगी, पूरी कॉन्क्रीट नहीं पूरी डांबर रोड मिल जाएगी। लेफ्ट से भी रास्ता दिखा रहे हैं, क्या करने है? लेफ्ट पर ही जाना है ब्रो, लेफ्ट पर ही जाना है। अपनी दूसरी गाड़ी उसके टायर स्टॉक है, इस वजह से वो टू हाईवे चल नहीं पा रही है, उसे पूरा ही लगाना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग टू हाईवे चल रहे हैं, काफी स्टीप क्लाइंब है इसका। एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से लो अल्टीट्यूड, 13-14 डिग्री का क्लाइंब है कॉन्स्टेंट। लोग जिगजैग करके आते हैं, हम लोग सीधा ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई क्या ये टेक ऑफ हो रहा है? सही लग रहा है, टेक ऑफ होने वाला है वो। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दे, सुरक्षा उपकरणों पे ध्यान दे। अपने पीछे वाले पैसेंजर ने बेल्ट बांध लिया। ये देखो ये बर्फ चिपक गई यहाँ पे। सो गाइस हम लोगों को डामर रोड मिल चुकी है। नर्मुला टॉप बहुत सेक्सी जगह थी भाई, इतना सेक्सी मजा आ रहा था उधर। वहाँ पे खूब सारे फोटोज वगैरह भी खींचे, वो इंस्टाग्राम पे आपने देख ही चुके होंगे। अब थ्रू आउट डामर रोड रहने वाली है पूरा उमलिंगला था। जैसे ही डामर रोड आएगी आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेकर के चुशुमले ब्रिज तक जाना है। चुशुमले ब्रिज जैसे ही आएगा वहां से आपको राइट लेना है, काफी सिग्निफिकेंट ब्रिज है वहाँ पे, तो आप मिस नहीं कर सकते। वहां से राइट लेना है उमलिंगला पास के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है सबका परफॉर्मेंस, गाड़ी का भी और हमें हमारा भी 19,000 फीट के ऊपर। सांस वास में कोई दिक्कत तो चलते हैं ऊपर, ना तो कुछ है ही ज्यादा, रुकला है बस ये रास्ता है, याद रखना है। चढ़ते हुए रास्ते में मिली है हमें जमी हुई पर, स्टेप बाय स्टेप जमी हुई है। यहाँ पे आदित्य का ऑक्सीजन काफी कम हो गया, अभी 82 हो गया, 20 साल 68 दिखा रहा था। ये रास्ते में पड़ता हूँ उमलिंगला से अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले। दिस सेज वी आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, मतलब एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो जिस एलिवेशन पे है उससे ज्यादा ऊपर हम लोग अभी खड़े हुए हैं। सो दिस इज फैसिनेटिंग, एवरेस्ट से ऊपर है अभी बेस कैंप। सो गाइस हम लोग रिटर्न में आ रहे हैं, अभी पोटिलो टॉप चढ़ रहे हैं। सो जितने भी शॉर्टकट्स हम लेते जा रहे हैं, वंस अगेन एज यूजुअल एज खराब आदत। ये भाई है, ये नुरबुला से ही आ रहे थे एंड नुरबुला में हमारे पीछे थे एंड उमलिंगला पे ऊपर मिले थे। हॉर्नेट आई गेस एंड इनकी बाइक अभी चढ़ नहीं रही है यहाँ पे पोटीला पे, बिकॉज ऑक्सीजन काफ़ी बाहर कम है। सो बंद हो जा रही है, आवाज़ भी काफ़ी अजीब सी कर रही है। भाई अपनी अपना चढ़ रहा है, हमने बीच में ट्राई किया था जहाँ पे इसकी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी कि ना इसे पैर से धक्का दे करके चढ़ाए, बट ये आदित्य लटका था तो उसमें काफी ज्यादा एक्चुअली रिस्क है। एक तो बाइक और कार बिल्कुल पैरेलल चलनी चाहिए एंड वो सीधी रोड हो तो एक बार को मेंटेन कर भी लो, बट टर्न्स पे ना थोड़ा मुश्किल है। अगर गैप बढ़ गया तो जो धक्का दे रहा है उसकी टांग टूटने का डर है, वो ज्यादा पास आ गया तो गाड़ी से टकरा करके गाड़ी गिर जाएगी उसकी, और उसमें भी काफी रिस्क है, जगह भी नहीं है बाइक पे कोई प्रॉपर पैर रखने के लिए। तो लास्ट ऑप्शन वही था कि अगर आगे चल के कहीं पर अटकता तो दो रोप से धीरे धीरे लेके जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
अपना भी रिस्क है, यहाँ पर टांग टूट गई तो भाई ले तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अभी तो चल रहा है भाई अपना, किसी तरह से चलते जा रहे हैं, हम साथ में ही चल रहे हैं, तो कुछ होगा तो एटलीस्ट इमरजेंसी ऑप्शन है कि बंदे को तो लेके चले जाएंगे, गाड़ी तो कुछ हुआ भी था। जो पानी मारा था स्प्रे वगैरह से और जो बारिश का नीचे आया था, ऊपर आते आते जम गया है पूरा। और गाइस आगे रास्ता देखो, पूरा बर्फ के पहाड़ पे चल रहे हैं अभी हम, नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरी बर्फ हो गई है। लेकिन आगे जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वो सब रास्ता है, हमें वो सब अभी चढ़ के जाना है। ये है फोटीला पास। तो भाई ये देखो, ये नीचे ग्रे वाला हम लोग चढ़ के आ चुके हैं, और ये अभी तक ज़िगज़ैग जो दिख रहा है ना, ये भी चढ़ना है। ये ज़िगज़ैग रियल लाइफ में कैसे दिखता है वो सामने देखो गाइस। ये बर्फ में कब ब्लैक आइस आ जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। ब्रेक मार रहा हूँ ना, स्किड हो रही है गाड़ी, लेकिन तब भी ज़्यादा ब्लैक आइस नहीं, थोड़ी सी थी। दिख रहा है पूरा चढ़ के आए हैं हम लोग अभी। दिख रहा है रास्ता, सेक्सी लग रहा होगा ना। गिरने से बच गया भाई ये अभी। भाई टॉप लूप पे आकर के ब्लैक आइस है, बहुत केयरफुली आना प्लीज। ठीक है चलेगा। अभी हम लोग भी यहाँ फंस गए, हमारे सामने बाइक जो है ये चढ़ नहीं रही है, धक्का भी पैदल लगा नहीं पा रहे क्योंकि पैर भी स्लिप हो रहा है। जोर बहुत जोर से लगेगी अगर गिरा तो, भाई पैर भी नहीं रखे जा रहे हैं यहाँ पर। बट ये बंदा भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है, दोनों बंदे अपने गए हुए हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अभी लग चुकी है, अभी बाइक वाले को किसी तरह धक्का मारा है हमने, पर ब्लैक आइस बिल्कुल पैर हमारे नहीं जम रहे, खड़े भी नहीं हो पा रहे हम। भाई यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि ब्लैक आइस हो रही है, यहाँ तो कभी कम है, अभी राइट साइड में देखो जो किसान दिख रहे हैं ना, बाइक पूरी स्लिप होती गई है वहाँ पर, तो इन दोनों ने धक्का देकर के उसको किसी तरह से यहाँ से निकलवाया। बाकी अभी भाई सब भगवान का रुझान। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई, हम दोनों की गाड़ी थी इसलिए दो बाइक वालों को हम लोग सपोर्ट करते हुए लेके आ रहे हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो ये दोनों कैसे जाते ऊपर, फंस गए होते बहन, और यहाँ कोई दूसरी गाड़ी इस टाइम पे आने भी नहीं वाली। किस्मत हुई तो मेरे रिफ्लेक्शंस दिख जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल दिखती है रोड जैसी। चले क्या आगे? नहीं, नहीं। अब तो उतरने का, अब उससे अटकेगा नहीं वो। नहीं वो लगता। ये भी गा सकता है थर्ड सॉन्ग। बेवफा भाई स्नो बढ़ गई है, धीरे धीरे गाड़ी पे एक्युमुलेट होना शुरू हो गई है। ये देखो बोनट पे फोटो खिंचवाने के लिए रुक गए तो हमें लगा है भाई निकल गया, और थोड़ा आ गया तो भाई अभी तक धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा भी ज़्यादा आई से वहाँ पे गाड़ी पूरी सांप बन रही है, बड़ा धीरे धीरे जाना पड़ रहा है इन्हें, और हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। क्या हो गया भैया, दिक्कत हो रहा है क्या? क्या हो गया, उतरने में भी दिक्कत हो रहा है क्या? थोड़ा रेस्ट दे दो, एक दो मिनट फिर चालू करो, एक दो मिनट रेस्ट दे के फिर चालू करो, काफी टाइम से चल रही है ना, खिंच रही है पूरा। अपने को नहीं होती, टायर बहुत बड़े हैं ना इसके, नॉर्मल स्टॉक टायर नहीं है, दूसरे टायर बड़े वाले। फिर साथ में चलेंगे हम भी, रुके टेंशन मत लो।
अब पीछे भी अपनी एक गाड़ी आ रही है, वो भी एक मुंबई वाला जो बंदा था ना उसको लेके आ रहा, उसकी तो गाड़ी चढ़ भी नहीं रही थी। आपका गाड़ी कम से कम चल रहा था, सिर्फ धक्का लगाना पड़ा, उसका तो गाड़ी ही नहीं चल रहा है भाई। अच्छा स्नो चालू हो गया। पुराना रास्ता पूरा कच्चा था, इसका 40 लाख का बिल्कुल कच्चा रास्ता पिछले साल तक। इसमें पास है ना ये, और ये बहुत ऊंचा पास है, इस वजह से दिक्कत होती है इसमें। लोग इसीलिए पीछे वाला जो है वो ले लेते हैं, बट वो उसमें भटक जाते हैं जिसको रास्ता पता नहीं है। और वो अगर आप उपडुंगले वाले गांव से जाओगे तो बहुत लंबा है। हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ी देर, बर्फ जम गई है आगे बोनट पे। आगे भी अच्छा खासा स्नो हो रहा है, ऊपर वाली अपनी गाड़ी जो है वो काफी स्नो में फंस गई है मुझे लगता है। एंड रास्ता आगे का ये है अपना। माइक चलना काम करना बंद कर चुका है, अभी आपको कैमरे के इनबिल्ट माइक से ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत फटी हुई आवाज आती है इसकी, बट माइक ठंड की वजह से काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। और बच्चे हाउ आर यू फीलिंग? गुड विद एन एक्सपर्ट ड्राइवर। व्हाट्स अप? मजे आ रहे हैं बस, और क्या। गाइस हम लोग हार्डली ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बट नीचे तक स्नो हो रही है। एंड स्नो अभी इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरे वाइपर्स मेरे जम चुके हैं, विंडशील्ड से क्लियर भी नहीं हो रहा है। पानी मारने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई एक एक से मुंह, सिर्फ एक से मुंह पानी निकल रहा है। छह थे, छह जगह से पानी आता था, बट अभी एक ही जगह से आ रहा है ये देखो, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बीच का ये आइस जो है क्लियर ही नहीं हो रहा है। इट्स नॉट सेफ ब्रदर टू ड्राइव लाइक दिस, समवन नीड्स टू गेट डाउन। वहां साफ नहीं, मेरे सामने गंदा हो गया है ये भाई। विंडशील्ड साफ कर रहा है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, और यहाँ पे वाइपर प्लेट पे भी पूरा का पूरा वो बर्फ जम गई थी। So guys, हम लोग हांडले वापस पहुंच गए हैं होटीला वाले रास्ते से। कल यहीं पे थे हम लोग, कल पूरा आसमान खुला हुआ था, क्या वेदर था, क्या छोड़ के गए थे सुबह। और अभी देखो हांडले मुनिसिपलिटी सामने ही है और मुश्किल से दिखाई दे रही है। पूरा सुबह से शाम तक मौसम बदल गया है, तो अभी हम लोग वापस से कैफे जाएंगे, फिर आगे का सोचा जाएगा भाई। गाइस मिलकर कैफे पहुंच गए। गाइस ये देखो कल हांडले कैसा छोड़ के गए थे, एंड अभी शाम को कैसा हो गया, फुल स्नो कवर। ठंड में सोनी भी पगला गया, ऑटो फोकस ने काम करना बंद कर दिया। पीछे मत रख टूट जाएगी। आगे आ जा जल्दी से, फेंक दे भाई, मेरा भी नहीं है। ये क्या भाई, माउंटेन मंगवाया था मैंने तो। सो गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हमने कपड़े सुखाए थे और यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है, तो उनकी क्या हालत है। बच्चे का डायपर धोया था रात सुबह सुबह, स्नो गिर रही है अभी भाई हल्की हल्की। बताओ हमारे बच्चे का डायपर तक चोरी हो गया, सिलवा देंगे मैं। भाई इसे अभी पहन ले, मजे आ जाएंगे। तो हमारे बच्चे का डायपर मिल गया है। चलो अब खाना खा के बाद में देखेंगे। बोनस। वो भाई रास्ते, वो नहीं कर रहा मैं, राइट में रोक रहा था साले।